यूपी की औरैया जनपद की बिदुना कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बावरिया गिरोह के सात सदस्यों को भारी मात्रा में 80 ग्राम सोने और लगभग 2 किलो 350 ग्राम चांदी के आभूषणों समेत नक्सली के उपकरणों और भारी मात्रा में तमंचे कारतूस भी बरामद किए। यूपी के औरैया जनपद में बिदुना कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर कार्रवाई करते हुए दुकानों में सेंध लगाने की योजना बनाते हुए अंतर जनपदीय गिरोह बावरिया के सात अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े हुए अपराधियों के पास से 2 तमंचे, 315 बोर और 20 जिंदा कारतूस समेत 2 किलो 350 ग्राम चांदी और 80 ग्राम सोने के आभूषणों के समेत लगभग 69,800 रुपये, एक इको गाड़ी समेत नकबजनी के हथियार जैसे एक कटर, 3 लोहा काटने वाली आरी समेत 10 लोहे काटने वाली ब्लेड समेत अन्य अपराध में प्रयुक्त उपकरणों को बरामद किया है। मामला है आज जो पुलिस को एक बड़ी भारी सफलता हाथ लगी है। देखिए SHO बिदुना एवं SSI बिदुना के प्रयासों द्वारा एक बहुत ही अच्छे गैंग का वर्कआउट बिदुना पुलिस द्वारा किया गया है। इसमें जो बावरिया जिनको कहते हैं उस गैंग के कुछ लोग पकड़े गए हैं। ये सभी लोग कादर चौक बदायूं क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनके साथ में जो लोकल औरैया के लोग हैं वो भी पकड़े गए हैं। टोटल 7 चोर इसमें पकड़े गए हैं। इनके पास से भारी मात्रा में आभूषण बरामद हुए हैं जो कि सफ़ेद धातु और पीली धातु के हैं। इनके पास से असलाह भी बरामद हुए हैं और कारतूस भी बरामद हुए हैं भारी मात्रा में। इसके साथ ही जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि इन्होंने जो ये आभूषण इनके पास से बरामद हुए हैं ये इन्होंने चोरी सुनार की दुकान में बकेवर थाना क्षेत्र में 16 सितंबर के दिन की थी। इसके बाद इन्होंने मंगलपुर थाना क्षेत्र में भी एक सुनार की दुकान पर 18 सितंबर के दिन चोरी की थी। उसी का ये माल इनके पास से बरामद हुआ है। ये माल को बेचने जा रहे थे तब इनको पुलिस ने अपने मुखबिरी तंत्र से इंटरसेप्ट किया और ये बरामदगी पुलिस को हाथ लगी है। काफ़ी अच्छी बरामदगी है, भारी मात्राएं बरामदगी है। कुछ आभूषण जो ये लोग बेच चुके थे उसका कैश भी पुलिस ने बरामद किया है। इसमें लगभग 70,000 कैश है और 2-3 किलो चांदी है और जो सफ़ेद धातु है इसके साथ ही सोना जो पीली धातु है वो भी बरामद किया गया है। ये एक प्रोफेशनल गैंग की तरीके से काम करते थे। इनके पास से शटर उठाने की इक्विपमेंट जो सुनार की दुकान पर बाट होते हैं वो भी बरामद किए गए हैं। साथ ही में एक इको गाड़ी भी बरामद की गई है जिसको ये यूज़ करते थे। इनसे विस्तृत पूछताछ हमारी टीम द्वारा की गई। इनका रेकी करने का तरीका, किस प्रकार ये चोरी को अंजाम देते थे, ये भी हमारे द्वारा विस्तृत रूप से जानकारी इसमें की गई है। अब सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत जो किए गए हैं उसी में इनको न्यायिक अभिरक्षा में हमारे द्वारा भेजा जा रहा है।